आने वाला है कुछ नया और बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट। टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज विच इज समवट काइंड ऑफ पॉडकास्ट, जो कि हम कॉन्वर्सेशन करेंगे बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेंट क्रिएटर्स के साथ एंड जानेंगे उनकी जर्नी, यूट्यूब जर्नी और इंस्टा जर्नी के बारे में, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए एंड फ्रॉम जीरो टू जहां तक वो आज की डेट में है, तो वो कैसे पहुंचे हैं, उसके पीछे क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत सुपर हेल्पफुल होने वाली इफ यू आर अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर एंड समवन जो कि अपना चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहते हो, एक सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, तो दिस सीरीज गोइंग टू सुपर हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऐसा और अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए आता रहे। विद डेट सेट स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने गेस्ट के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में वी हैव विद अस टेल्स ऑफ अतिशी की स्वाति चौधरी। अबाउट हर, शी इज एन अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूब एंड इंस्टा ये दोनों पे ही अच्छा कंटेंट डाल रही हैं, तो इनके चैनल पे आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे हॉल्स वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि काफी एक्साइटिंग है एंड आइए जानते हैं हम इनसे इनके बारे में। सो स्वाति हाय। हाय, सो माय नेम इज़ स्वाति, जैसे आपको डिम्पल ने बताया, एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज टेल्स ऑफ अतिशी। सो आई मेक कॉन्टेंट फ्रॉम लास्ट वन ईयर एंड मतलब मेरी बड़ी ही अटपटी सी जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं मेरे कॉन्टेंट क्रिएशन में, एंड स्टार्टिंग में मेरे को बहुत मतलब कन्फ्यूजन भी था एंड ऑल दैट, बट या हेयर आई एम and this is my first podcast नहीं किया है तो मुझे लगा कि यार start करना चाहिए and मेरी first guest हो, तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। so like आपकी अब तक की YouTube journey लगता है like मतलब कितने years से आप YouTube पे हो and almost like Insta पे तो मैंने अभी देखा है आप recently आए हो, लेकिन YouTube पे आप काफी time से हो, so कैसा experience रहा है and क्या क्या challenges आपने YouTube में face किए हैं? सो मैंने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट वीडियो डाला था वो डाला था मैंने जनवरी 2022 में। सो वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू कानपुर बाय रोड, सो आई वांट टू यू नो रिकॉर्ड दैट जर्नी एंड एक मेमोरी बनाना चाहती थी मैं, तो मैंने वो करना शुरू किया एंड आई पोस्टेड इट ऑन यूट्यूब। मैं गई थी अक्टूबर 2021 में एंड देन आई एडिटेड एंड बहुत ज़्यादा ऐसे आप प्रोकास्टिनेट कर देते हो बहुत चीज़ों को, तो मैंने भी किया एंड जनवरी में आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो, बट आफ्टर दैट ऑल्सो आई वर्क इन IT, सो IT वालों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता है, सो मैंने फिर बंद कर दिया एंड देन आई गॉट अगेन किक्ड एंड स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी इन दिसंबर 2022। देन आई एम कंटिन्यूड एंड अभी तक ना मैंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं अपने चैनल में। मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया कि YouTube का जो एग्जैक्ट एल्गोरिथम है वो कैसे काम कर रहा है, बिकॉज समटाइम्स मैं कुछ भी मतलब मैं कुछ अगर ऐसे बहुत अच्छा डालती हूँ अपनी तरफ से कि वाओ ये तो बहुत अच्छा है ये चल जाएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलता है ये मतलब मैंने देखा है वो बिल्कुल भी नहीं चलता है, बट कुछ भी मैं ऐसा ही कॉन्टेंट रेंडमली डाल देती हूँ एंड मतलब ऐसे ही चलो आज कुछ नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ती है यूट्यूब पे, जितना मैंने पढ़ा है जन जितना मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे भी ये लगा कि कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है, तो कंटिन्यूटी के चक्कर में आई पोस्टेड सम टाइम्स मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ और जो वो ऊपर नीचे वाले वीडियोज होते हैं ना वो मेरे चल जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, हाँ बट वो चल जाते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग क्वाइट अ लॉट बिकॉज आपको एडिटिंग करनी है, आपको ये देखना है कि अरे यार आपको कैमरा कैसे सेटअप करना है, बिकॉज स्टार्टिंग में ना आपकी आंखें भी इधर उधर जाती रहती हैं, यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ ना कि आप सिर्फ लेंस की तरफ देखते रहोगे एंड देन या सो धीरे धीरे आई एम इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक लाइटनिंग एंड कैमरे की तरफ आपको अच्छा लेंस पे देखना है, इधर उधर ज्यादा आंखें नहीं घुमानी है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता है, वो बाय द टाइम हो पाता है एंड यूट्यूब इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी सब बोलते हैं। अच्छा, मैंने इसी पे एक और चीज, मैंने जैसे आपके चैनल पे देखा कि आप मिनी ब्लॉग्स भी डालते हो, आप ट्रैवल ब्लॉग्स भी डालते हो और फैशन कंटेंट क्रिएटर भी हो, हॉल्स वगैरह भी डालते हो एंड व्हाट आई ईट इन अ डे आपके बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट्स रहे हैं जो मैंने देखे, तो हाँ तो मतलब उससे आपको मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि हाँ कोई भी कभी भी चल जाता है पता नहीं चलता यूट्यूब पे, बट आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या बनाना करते हो, मतलब लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे या ट्रैवल ब्लॉग्स?
मुझे सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा मुझे देखना भी मतलब व्लॉग्स पसंद है मुझे, वो साइलेंट व्लॉग्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कुछ एस्थेटिक व्लॉग्स जो बनाते हैं लोग वो मेरे फेवरेट हैं। अब मुझे फैशन से रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, बिकॉज फैशन ट्रेंड इज़ वेरी क्विकली चेंजेस। ओके, वो कभी भी मतलब आज कुछ चल रहा है तो कल कुछ और चलने लगेगा, एंड माई फैशन सेंस इज़ वेरी बेसिक। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक है मेरा फैशन सेंस, सो आई एम नॉट ड्राइव टूवर्ड्स दैट, बट व्लॉग बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब थोड़े से इंटरेक्टिव व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। आई नो स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा ना ऐसा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, बट आई लव टू क्रिएट व्लॉग्स। एंड वॉट आई ईट इन अ डे, आई स्टार्टेड इट बिकॉज आई वॉज लूजिंग वेट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, सो आई थॉट कि चलो इसको करके देखते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे, जब मैं यूट्यूब कर रही थी, मैंने बहुत सारे देखे कि लोग अच्छा ये भी डालते हैं, तो आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड कि यार मैं ये भी व्लॉग कर सकती हूँ, इसको ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज, आई थिंक द यूट्यूब इज ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर, सो आपको पता चले कि आप ना किस चीज में अच्छे हो। या चैनल का जो आपका हैंडल है ये टेल्स ऑफ अतिशी, ये क्यों मतलब क्या इंस्पिरेशन थी टेल्स ऑफ अतिशी रखने के पीछे? वी वेंट टू अ ट्रिप टू लद्दाख लास्ट ईयर, सो आई थॉट कि लद्दाख के बारे में ना लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उनको जानने का मतलब लगा रहता है, बहुत लोग जाते हैं तो उनको मतलब चाहिए कि कोई कहीं से उनको कंटेंट मिले। सो आई आस्क्ड माय हस्बैंड, सो हिज नेम इज शिवम, माय नेम इज स्वाति, सो दैट्स व्हाई वी राइम्ड इट अतिशी, सो SHI फ्रॉम शिवम एंड ATI फ्रॉम स्वाति, सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस नेम एंड टेल्स ऑफ लाइक द कॉमन थिंग, सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद टेल्स ऑफ अतिशी। एंड इन स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू दैट मैंने स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे वैसे वाले व्लॉग्स डालने शुरू किए थे थोड़े ट्रैवल रिलेटेड, सो इसलिए मैंने उसका नाम टेल्स ऑफ अतिशी रख दिया। एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ, ऑफकोर्स मेरा ऑफिस है, माय हस्बैंड आल्सो वर्क्स इन IT, तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे एंड आई कॉन्ट कंटिन्यू दिस, सो अभी मैं क्या करूँ। सो मैंने सोचा नाम वाम चेंज नहीं करती हूँ, अच्छा नाम है, थोड़ा सा यूनिक है तो रहने देती हूँ, इसलिए पीपल एक्चुअली आस्क मी दिस, बट आई शुड मेंशन इट इन माय बायो टू ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे भी आप हो और इंस्टाग्राम पे भी हो, तो यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम अगर हम देखें तो विच प्लेटफॉर्म यू लाइक मोस्ट एंड क्यों? मतलब अगर यूट्यूब पसंद है तो वो क्यों है और इंस्टाग्राम पसंद है तो वो क्यों है? ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे आप केवल 1 मिनट तक का वीडियो डाल सकते हो, आप वहाँ पे सिर्फ आपका छोटे छोटे क्लिप्स दिखा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने ऑडियंस से ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट करना चाहते हो या बहुत बड़े बड़े से व्लॉग्स बनाना चाहते हो जैसे मैं बनाती हूँ, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं अभी जितनी मेरी जर्नी रही है, आई थिंक कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप मोस्टली रील्स बनाते हो, ठीक है, आप दिन में कम से कम 5 से 6 बना सकते हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए फुल फॉर्मेट वीडियो बना रहे हो तो आई गेस 2 इज़ इनफ, बहुत टाइम लगता है। एंड फिर उसको एडिट भी आपको उतना, जितना बड़ा कॉन्टेंट होगा उतना आपको टाइम लगेगा उसको एडिट करने में, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की हां उसको बनाना, वीडियोस वगैरह मतलब लाइक व्लॉग्स वगैरह, तो ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए इंसान यूट्यूब पे ही जाएगा वो देखने, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल। तो इवन आई लाइक मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो यार इंस्टाग्राम पे चलाओ और नहीं तो यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दो अदरवाइज, बट ना मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना पसंद है। इवन मैं किसी की भी अगर वीडियो देखती हूँ तो मैं स्टार्ट टू एंड देखती हूँ, आई नेवर स्किप, मतलब मैंने कभी कोई वीडियो स्किप ही नहीं की, मुझे याद ही नहीं है कि कैसे, अब जब मेरी वीडियो कहीं स्किप होती है तो आई एम लाइक कि यार वीडियो स्किप कैसे कर देते हैं। आपको शॉर्ट्स में भी वो दिखता है ना आजकल स्वाइप्ड अवे एंड आपको कितने, तो मुझे भी ऐसा लगता है अरे 30 सेकंड्स का या फिर 10 सेकंड्स के वीडियो को भी लोग कैसे, मुझे लगता है आगे भी होते होंगे यार ये ना, ज्यादा अगर आपके सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको इतना ध्यान नहीं जाता है मतलब उन चीजों पे कि अच्छा इतने लोगों ने किया इतना किया, जब ज्यादा हो जाएंगे लाइक पॉइंट में जब पहुंच जाता है जैसे 10K 1 point something ना, तो हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। 800 पे है तो उसने एक आदमी ने अनसब्सक्राइब मार दिया तो 799 बच गए, फिर वो कैसे मतलब बहुत दिल टूटता है, मतलब ऐसा हो जाता है अरे यार क्यों किया, आपको सब्सक्राइब ही क्यों करना था पहले, मतलब एक एक सब्सक्राइबर हम गिनते हैं कि यार
प्लीज ये एक जाना मत नंबर हमें दिख रहा है, प्लीज ये नंबर रहना यार मेंटेन। बट यार मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि लाइक यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चले जाए, मतलब नहीं जाते उतने इजीली, और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाना, इट इज वेरी टफ। इंस्टाग्राम पे अगर आज तुम्हारे फॉलोअर्स आए हैं 5, अगले दिन आप सुबह तक देखोगे 5 गायब है उनमें से। अगेन उतना बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा होता है इंस्टाग्राम पे फ्लक्चुएट। इवन मैंने तो क्या यूट्यूब पे भी देखा है कि सब्सक्राइबर्स चले जाते हैं, आई डोंट नो कि वो यूट्यूब कर रहे हैं कि वो सब्सक्राइबर्स खुद कर रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने सुना ही है जो भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से, तो वो यही बोलते हैं कि नहीं सब्सक्राइबर्स नहीं जाते हैं, ऐसा लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, सो मे बी अब ये भी चल गया है कि अरे यार ये तो वही चीज दिखा रही है तो मैं इसका क्यों देखूं, मैं किसी और का देखूंगी, तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है हो गया है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, यू नो, ट्राइंग समथिंग, सो वो होता ही है, क्योंकि जितने ज्यादा बनाने वाले हैं उतने ही ज्यादा देखने वाले भी हैं। स्कूल कॉलेज की गर्ल्स भी बहुत ज्यादा कंटेंट बना रही हैं, मतलब आई एम लाइक यार एक टाइम हमारा था जब हमें यूट्यूब तो कहीं लाई नहीं पड़ता था, उतना कोई नहीं हुआ कि आप क्या अपने को फेस करें, बट आज की जनरेशन यार मुझे याद है सबसे पहले मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो दैट वाज इन 2010 या फिर 2014 के आसपास, मतलब उसी रेंज में 2010 टू 2014 के बीच में, एंड आई सॉ श्रेया जैन्स वीडियो फर्स्ट टाइम, एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट सम मेबेलिन फाउंडेशन, वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तब मेरा मतलब सबसे पहले मुझे पता चला कि अच्छा यूट्यूब भी है एंड लाइक दैट। सो आई वॉज ऑन कॉलेज, सो हमारे मतलब जिस टाइम पे हम लोग थे तो उस टाइम पेरेंट्स वोंट अलाउ अस, दे टोल्ड अस कि आप पहले पूरी पढ़ाई वगैरह कर लो, जॉब कर लो एंड देन उसके बाद आप अपना करो। वेरी टफ कंपटीशन, बिकॉज हम लोगों ने तो काफी लेट चालू किया है, लेट हम जागे हैं कि चलो यार करते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा हाथ आजमा के देख लेते हैं। जैसे ब्लॉग्स आपको इंटरेस्ट था बनाने में, तो ऐसे ही मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि अच्छा ब्लॉग्स का है, तो हम उसे ब्लॉग्स बनाते थे, बट बाय द टाइम मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि यार इतना ट्रैवल कैसे कर सकते हैं यार, हाँ। जॉब के साथ आपको उतनी लीव्स नहीं मिल पाती हैं, इसलिए अच्छा चैनल स्टार्ट किया कि चलो इस पे आगे बढ़ते हैं अकेले इंडिविजुअल लेवल पे। अभी मेरा चैनल ये चल रहा है और वो ब्लॉग्स वाला चैनल शांत पड़ा हुआ है, उसके ब्लॉग्स धीरे धीरे वो दो चैनल मतलब कैसे हैंडल कर सकते हो, वो भी एक 9 to 5 जॉब के साथ तो नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्किंग रहता है, सो व्हाट आई डू इज मैं मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल भी यूट्यूब को हाथ नहीं लगाती हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन को। आई प्लान इट ऑन मंडे मॉर्निंग एंड मैं मतलब मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, आई राइट इट डाउन, एंड सैटरडे एंड संडे इज फुल्ली फॉर यूट्यूब। सो मैं मोस्टली क्या होता है कि मैं सारे रील्स एंड शॉर्ट्स को लिख लेती हूँ एंड कोई भी दो दिन में डिवाइड कर देती हूँ। सैटरडे में जैसे लॉन्ग फॉर्मेट अगर मैंने बना लिया तो मैं शॉर्ट्स 3 या 4 रखूँगी और संडे में जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर दूँगी। एंड देन मंडे टू फ्राइडे मैं रात में 8 बजे के बाद मेरा ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो तब मैं धीरे 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 एडिट करती रहती हूँ। सो इसलिए मेरे चैनल पर अगर आप देखोगे तो वीक में सिर्फ आपको एक ही वीडियो मिल पाएगा, वो भी थर्सडे में मैं डालती हूँ आपके साथ, वो भी IT में रहकर। वर्क फ्रॉम होम तो सिर्फ बहाना है, काम हमसे दुगना ही करवा रहे हैं। बहाना है कि वर्किंग आवर्स लाइक 9 o'clock तक चलते हैं। 9 बजे के बाद आप मेकअप लगाओगे, अपने आप को सही करोगे, फिर कहीं 10 बजे तक आप वीडियोस बनाओगे। उतनी एनर्जी नहीं बचती है। जर्नी पे यूट्यूब में अभी तक लाइक कोई ऐसा मोमेंट रहा है, लाइक कुछ ऐसा आपने किया हो जिसको लेकर आपको रिग्रेट हो कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसके बदले शायद मैं ये कर देती, मतलब किसी क्रिएटर को देख के आपको लगा कि शायद यार इसका ये चल गया, मुझे भी ये कर देना चाहिए था और मैंने क्यों नहीं किया उस टाइम पे। मेरे साथ होता है मतलब ऐसा, एवरी वीक आई थॉट, अभी पीछे ना मिंत्रा का एक सेल आया था, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ एंड ऑफ सीजन सेल था, अभी 2-3 महीने पहले था। सो वन ऑफ द क्रिएटर क्रिएटेड अ वीडियो विच इज़ अराउंड माई सब्सक्राइबर्स ओनली, सो उसने एक वीडियो डाला एंड उसका वीडियो ऐसे मतलब 3.4K एंड 2.5K व्यूज़ उस पर आए, एंड वीकडे में था तो आई एम नॉट एबल टू शूट इट एंड इवन मेरे पास इतना स्टफ भी नहीं था कि मैं कुछ दिखा पाऊँ।
सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था, अरे यार मतलब काश मेरे पास भी टाइम होता तो मैं कर पाती और मुझे पता होता तो. बट फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो ऐसा बनाया था तो मेरा, हाँ वो बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं कि अरे यार मैंने भी सेम ही चीज बनाई, अभी उसकी चल गई मेरी क्यों नहीं चली. मतलब वो बहुत ज्यादा आपको डाउट रहेगा एवरी, मतलब वीडियो के बाद रहता ही है मुझे वो डाउट. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. कोई एडवाइस आप देना चाहते हो, लाइक कोई अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आना चाहता है, उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो लाइक क्या राइट पाथ होगा उसको, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको इनिशियली. सो मेरा ये मानना है कि आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो सो आप एडवांस में ना 5 से 6 वीडियोस तो बना ही लो जो आप लॉन्ग फॉर्म में डालने वाले हो. उसके बाद ना आप थोड़ा सा सर्च करो यूट्यूब पर कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है. जैसे फैशन हो गया बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, जो पॉडकास्ट है उसका हम लोगों ने, बहुत लोग बता रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा स्कोप है, काफ़ी चलने वाला है. तो अगर आप उससे रिलेटेड बना रहे हो तो सर्च करिए उसके बारे में, सब कुछ अच्छे से जान लीजिए. उसके बाद अगर आपको चैनल भी बनाना है ना, तो बस ऐसे ही एक दिन नींद से जाकर चैनल मत बनाना प्लीज़, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है. आप ना 5 से 6 आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 10-15 वीडियोस तो देखो कि भाई कैसे जनरेट होता है चैनल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं किसी और वीडियो से मिलेंगी, कुछ किसी और वीडियो से मिलेंगी. तो आप वो सब कलेक्ट करो, अच्छे से माइंड मेकअप कर लो कि अच्छा आपको ये करना है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये आपका टाइम टेबल होगा. क्योंकि स्टार्टिंग डे में 1 से 2 साल आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर यूट्यूब. सो वो आपको दिखानी पड़ेगी. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपने पास बैकअप लेके चलिए 5 से 6 वीडियो का, तो आपका 2 महीने तो चल ही जाएगा अगर आप वीक में एक वीडियो डालते हो तो. कोई अपनी एक नीश पकड़ लो. मैंने क्या किया ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे यूट्यूब जर्नी में कि मैंने ना एक ही चैनल में सब कुछ डाल दिया, कि मैंने यहाँ पे ट्रैवल भी डाल दिया, मैंने व्लॉग भी डाल दिया, मैंने फैशन भी डाल दिया, जो कि कहीं हद तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया. बट अगर आप मेरी तरह करना चाहते हो, कुछ ट्रायल एंड एरर करके सीखना चाहते हो, तो कर सकते हो, गो अहेड. क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो होगा ही, कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल होगा. लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो एंड दिस इज़ द ओनली स्कोप फॉर यू, यूट्यूब अगर आपका एकमात्र स्कोप है अर्निंग वगैरह का, तो आप एक नीश पकड़ लो. फैशन नीश मैं कहूँगी, उसमें बहुत पैसा है क्योंकि आप एफिलिएटेड लिंक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो. एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने थर्सडे के लिए वीडियो शेड्यूल किया है स्टार्टिंग से, तो आप पूरा टाइम 2 साल थर्सडे में उसी डॉट टाइम पे आपको अपलोड करना है. सो दिस इज द की. हमने भी ट्राई किया है तो कूद पड़ो, मतलब ये मैं कहना चाहूंगी. देखा जाएगा जो होगा. मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, ट्रू सब कुछ है, मतलब ब्लॉग्स भी हैं एंड लाइक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं एंड अपने ब्यूटी वीडियोस भी बनाते हैं और फैशन के वीडियोस भी बनाते हैं. इट्स लाइक ओवर स्टफिंग इन द चैनल, बट स्टिल वो चैनल्स चल रहे हैं और बहुत अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है यूएसपी सिर्फ आप हो. अगर आप भी, आपको जनता देखना पसंद करे तो आपका सब कुछ देखना पसंद कर रही है. आप पसंद आ गए तो आपका सब कुछ देखना चाहेगी, चाहे वो आपकी शादी की ब्लॉगिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो. फिर तो कुछ भी हो, मतलब देख लेंगे. लेकिन स्टार्टिंग में मैंने देखा ना, जिन चैनल्स पे सब कुछ है उन्होंने एक नीश पकड़ी थी स्टार्टिंग में. अच्छा। अगर आप देखेंगे तो उनके जो वीडियोस है ना वो सारे एक नीश पे डिपेंडेंट है एंड देन उन्होंने जब थोड़ा सा उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया, हाँ, तो तब फिर उन्होंने मतलब ये भी. तो दिस इज व्हाट माय R&D अबाउट द यूट्यूब. सो आप ये कर सकते हो, लेकिन मेरी तरह भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप सब कुछ डालना चाहते हो तो कैसे लोगों से कनेक्ट करते हो एंड कुछ फ्रेंड्स वगैरह आपने बना रखे हैं इस फील्ड में, क्या लगता है आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए या फिर अपना पीछे से बैठ के बस काम करना चाहिए? मैंने शुरू किया था तो मैं अकेली थी एंड देन आई वेंट टू गुड़गांव क्योंकि मैं भी उधर से ही बिलोंग करती हूँ. सो माय फ्रेंड्स लिव्स देयर. मैं मुजफ्फरनगर से हूँ एंड आई मैरिड इन कानपुर. यस. सो मैं गुड़गांव गई अपनी फ्रेंड के पास एंड तक मैंने किसी को बताया हुआ नहीं था. मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे तब तक मैंने नहीं बताया था. फ्रेंड सर्कल में बस 3-4 को पता था, तो मैंने उसको बताया यार मैंने ये शुरू किया है एंड दिस इज़ दिस. हमने मतलब बात की तो उसने बोला मुझे भी शुरू करना है एंड देन
उसका इंस्टाग्राम पहले से था, वो फैशन कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालती थी बट नॉट कंसिस्टेंटली, कभी कभी डाल दिया बट शी इज इंटरेस्टेड. तो फिर उसने भी यूट्यूब चैनल चलाया एंड देन वी बोथ आर डूइंग इट एंड स्ट्रगलिंग इट. सो वी शेयर आर थॉट्स एंड शी इज माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, सो हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं. फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे एंड देन आई मैसेज्ड यू कि आप भी आईटी से हो गया. एंड देन स्टार्टिंग में तो आपको नहीं मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर कोई आपको मेरे जैसा मिल गया कि आप ही के साथ आपकी फ्रेंड है और करना चाहती है, तो आप वैसे फ्रेंड्स बना सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो जैसे मैंने डिंपल को ढूंढा है. सो यू कैन इंटरेक्ट विद द पीपल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इंटरेक्शन करनी चाहिए, आपको चीज़ें पता भी चलती हैं. यूट्यूब चैनल को लेकर आपकी आगे की क्या एस्पिरेशंस हैं, मतलब कमिंग ईयर्स में कि मतलब क्या कुछ दिमाग में है कि यार ये ऐसा हो जाए, बस ये ड्रीम पूरा हो जाए मेरा, उसके बाद आगे देखा जाएगा. पहली सीढ़ी तो यही है कि मैं 1K क्रॉस कर जाऊं जल्द से जल्द. करंटली आई एम 850, तो जल्दी से जल्दी मेरा 1K हो जाए एंड देन उसके बाद देखा जाएगा. मतलब जो जैसा मिलेगा वैसे कारवा बनता चला जाएगा. हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सिर्फ बन भी नहीं होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन आप भी मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम इस पॉडकास्ट को एड करेंगे. कोई भी यूट्यूबर एक दूसरे से मिलता है तो उसकी जर्नी के बारे में ही पूछता है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क टू यू. तो मेरी यूट्यूब जर्नी का मतलब पहले तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ दूसरे चैनल पे. ट्रैवल ब्लॉग्स लिमिट हो गए मेरे क्योंकि मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो इस वजह से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है. मेरी जर्नी भी ऑलमोस्ट 2022 से ही स्टार्ट है. हमारे सारे जितने भी क्वेश्चंस थे हमसे पूछ लिए हैं और इस कारवा को यहीं पे एंड करते हैं हम. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन स्वाति से है या फिर मुझसे है तो कॉमेंट डाउन बिलो. स्वाति के चैनल को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, जाके उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जल्दी से उनके बन के करा दो. और इनका जो भी इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लेना जाके. एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, उसको भी सब्सक्राइब करना. एंड जो कंटेंट मेरा आ रहा है वो आता रहेगा और ये पॉडकास्ट की सीरीज भी आती रहेगी. मैं मिलती हूँ किसी नए क्रिएटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.